माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें आज कृषि के क्षेत्र में, नौजवानों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज मैं यह भी बताना प्रासंगिक समझता हूं यहां पर कि आज सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी अभी करने वाले हैं। ये ऐसी योजना है जो युवाओं में आत्मबल देगी, संबल देगी, हिम्मत देगी, रोजगार देगी और सीख के कमाने का एक हुनर भी उनके हाथ में आएगा और हमारा नौजवान एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। आज जो प्रदेश के अंदर अनूठा अभिनव नवाचार प्रयोग हो रहा है उसी को कमाओ योजना का है। आज कैबिनेट की अनौपचारिक चर्चा में भी 16 जुलाई से 14 अगस्त तक जो विकास पर्व मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है उसके लिए भी विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। आज नौजवानों की ही बात करें तो 10 नए महाविद्यालय खोलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव आज मंजूर किया है। 4 महाविद्यालयों में नवीन संकाय और 7 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विषय प्रारंभ किए जाने का और 589 पद इसके लिए स्वीकृत किए जाने का आज कैबिनेट ने तय किया है। आज मंत्रिपरिषद के द्वारा धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना जिसकी लागत 478.88 करोड़ रुपए है और जिसका सिंचाई का रकबा 15031 हेक्टर है की प्रोरक्षित प्रकाश की स्वीकृति दी है। इससे 43 गांवों को सिंचाई की सुविधा का इसमें लाभ मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा। आज कैबिनेट के द्वारा यह भी तय किया गया कि तकनीकी शिक्षा कौशल और विकास रोजगार विभाग द्वारा जो हमारे आईटीआई विहीन विकास खंड है उन 22 शासकीय आईटीआई की स्थापना इनके अंदर हम करें जिससे कि हमारे आईटीआई के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम की ओर हम बढ़ें। इसके लिए 400 प्रशिक्षक की 418 एवं प्रशासक की 242 पदों के सृजन की स्वीकृति भी कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसमें 34,786.40 लाख रुपए 5 वर्ष के लिए अनावर्ती व्यय रुपए 9,460 लाख के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी गई है। आज मंत्रिपरिषद के द्वारा हमारी आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं बहनें और सहायिकाएं हैं उनको अब 13,000 प्रतिमाह मिलेगा 3,000 बढ़ने के बाद। इसी तरह से सहायिकाओं को 5,750 बढ़ाने के बाद मिलेगा। यह भी कहना यहां प्रासंगिक है कि इन्हें हर वर्ष अब 1,000 रुपए की वृद्धि इनकी होती जाएगी, ऑटोमेटिक होती जाएगी और सहायिका की भी 500 रुपया की वृद्धि होती जाएगी। रिटायरमेंट होने पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसे 1,25,000 रुपया और जो सहायिकाएं हैं उनको 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी रिटायरमेंट होने पर। आज सिवनी और नीमच में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना का भी आज मंजूरी दी गई है। इसमें पटवारी के साथ साथ एक सहायक भी उनका इस योजना के अंदर रहेगा। रीवा के अंदर जो रिफ्यूजी कहलाते थे हमारे आवास की भूमि वाला जो विषय था आज उनके ब्याज नहीं लेके देने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। जैसा आप सबको विदित है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा सागर के अंदर हमारे पूज्य संत रविदास जी का सांस्कृतिक एकता न्यास का गठन था, आज कैबिनेट के द्वारा इनके गठन को संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना के गठन हेतु स्वीकृति आज प्रदान की गई है।
एक महत्वपूर्ण निर्णय में आज हमारे राज्य के पिछड़ा वर्ग के जो की दो जातियां कुड़मी एवं कुर्मी, कुड़मी एवं कर्मी, कुर्मी पृथक पृथक क्रमांक में दर्ज होने के कारण होने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु बुंदेलखंडी गौर समाज द्वारा मांग की गई। इस पर विभागीय प्रस्ताव द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा आज विचार उपरांत कुड़मी जाति को सूची क्रमांक 76 से विलोपित कर सूची क्रमांक 39 में कुर्मी में शामिल किए जाने का निर्णय आज कैबिनेट के द्वारा किया गया है। अब पिछड़ा वर्ग प्रदाय के लाभ इनको मिलते रहेंगे। इसी तरह से आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मां अहिल्या कल्याण बोर्ड का स्थापना को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसमें पाल गड़रिया धनगर वर्ग के समग्र कल्याण के लिए मां अहिल्या कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें पाल गड़रिया धनगर कल्याण मध्य प्रदेश बोर्ड के गठन के निर्णय के साथ ही बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य इसमें होंगे। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णय आज हमारे उनके लिए किया गया है। आज कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग का, यह लोक परिसंपत्ति विभाग का है, इसमें जो राजगढ़ की भूमि है 55 रकबा 17,400 वर्ग मीटर की, इसे 2,11,00,000 रुपए में देने का 100% राशि जमा करने के बाद कैबिनेट ने तय किया है। इसी तरह से सोयाबीन सहकारिता विभाग का चौरी छिंदवाड़ा का है, इसको 8,30,00,000 100% राशि जमा करने के बाद देने का तय किया है।